السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير رب ارحمهما كما ربيان صغيرا رب ارحمهما كما ربيان صغيرا رب ارحمهما كما ربيان صغيرا आज हम सूरत अल अनाम की आयत नंबर 8 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकालू और उन्होंने कहा लौला क्यों नहीं उनसीला नाजिल किया गया अलैही उस पर मलाकुन फरिश्ता वलौ और अगर अनजलना हम नाजिल करते मलाकन कोई फरिश्ता लाकोजिया तो फैसला कर दिया जाता लाकोजियल अमरु तो फैसला कर दिया जाता अमरु मुआमले का सुम्मा फिर ला युनजरून ना वो मोहलत दिए जाते। ये कुफार के दूसरे एतराज का जवाब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरिश्ता अपनी असल शक्ल में क्यों नाजिल नहीं होता जिसे हम देखकर देख सकें और हमें यकीन आ जाए। इस एतराज के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर उस हालत में उनके पास फरिश्ते नाजिल होते तो वो उनके पास अजाब लेकर आते। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वकालू या अय्युहल्लाजी नुज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका ला मजनून लौ मा तअतीना बिल मलाइकाती इन कुंता मिनस सादिकीन मानु नज़िलुल मलाइकाता इल्ला बिल हक्की व मा कानू इज़म मुनज़रीन सूरत अल हजर में। और उन्होंने कहा ऐ वो शख्स जिस पर ये नसीहत नाजिल की गई है बेशक तू तो दीवाना है तू हमारे पास फरिश्ते क्यों नहीं ले आता अगर तू सच्चों में से है हम फरिश्तों को नहीं उतारते मगर हक के साथ और उस वक़्त वो मोहलत दिए गए नहीं होते। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए जितने भी अंबिया और रसूल भेजे वो इंसानों में से ही थे और हर कौम में इसी के एक फर्द को वही और रिसालत से नवाज दिया जाता था। ये इसलिए कि इसके बगैर कोई रसूल फरीजाए तबलीग व दावत अदा ही नहीं कर सकता था। मसलन अगर फरिश्तों को अल्लाह ताला रसूल बनाकर भेजता तो एक तो वो इंसानी जबान में गुफ्तगु ही ना कर पाते दूसरे वो इंसानी जज्बात से आरी होने की वजह से इंसान के मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ कैफियात व जज्बात के समझने से भी कासिर रहते ऐसी सूरत में हदायत व रहनुमाई का फरीजा किस तरह अंजाम दे सकते थे। इसलिए अल्लाह ताला का इंसानों पर एहसान है एक बहुत बड़ा एहसान है कि उसने इंसानों को ही नबी और रसूल बनाया चुनाचे अल्लाह ताला ने भी उसे बतौर एहसान ही कुरान करीम में जिक्र फरमाया है लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इस बासा
फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया जबकि उन्हीं की जानों में से एक शख्स को रसूल बनाकर भेजा, लेकिन पैगंबरों की बशरियत काफरों के लिए हैरत व इस्तेजाब का बायस बनी रही। वो समझते थे कि रसूल इंसानों में से नहीं फरिश्तों में से होना चाहिए। गोया उनके नज़दीक बशरियत रिसालत के शायान शान नहीं थी, जैसा कि आजकल के अहले बिदत भी यही समझते हैं। तशाबहत कुलूबुहुम अहले कुफर व शिर्क रसूलों की बशरियत का तो इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उनके खानदान हसब नसब हर चीज से वाकिफ होते थे, लेकिन रिसालत का वो इनकार करते रहे। जबकि आजकल के अहले बिदत रिसालत का इनकार तो नहीं करते, लेकिन बशरियत को रिसालत के मुनाफी समझने की वजह से रसूलों की बशरियत का इनकार करते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहा है कि अगर हम काफरों के मुतालबे पर किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजते या इस रसूल की तस्दीक के लिए हम कोई फरिश्ता नाजिल कर देते, जैसा कि यहाँ यही बात बयान की गई है, और फिर वो इस पर ईमान ना लाते तो उन्हें मोहलत दिए बगैर हलाक कर दिया जाता। आयत नंबर 9। वलौ और अगर जाअल ना हो हम बनाते उसको मलाकन फरिश्ता ला जाअल ना हो अलबत्ता हम बनाते उसको राजोलन आदमी ही वलाला बस ना और अलबत्ता हम शुबा डालते अलैहिम उन पर मा यलबिसून वही जो शुबा वो अब कर रहे हैं। आयत नंबर 10। वला का दिस्तुख जिया वला का दिस्तुख जिया अलबत्ता तहकीक इस्तेहजा किया गया यानी मजाक किया गया और अलबत्ता तहकीक दिस्तुख जिया इस्तेहजा किया गया भी रसूलिन रसूलों के साथ मिन कबली का आपसे पहले का हा का फिर घेर लिया बिल्ला जीना उनको जिन्होंने साखी रू तमस्कर किया था मिन हम उनमें से मा इस अजाब ने के कानों वो थे भी ही इसके साथ यस्ताहजे उन मजाक करते। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर हम फरिश्ते ही को रसूल बनाकर भेजने का फैसला करते तो जाहिर बात है कि वो फरिश्ते की असल शक्ल में तो आ नहीं सकता था, क्योंकि इस तरह इंसान उससे खौफ जदा होने और करीबो मानूस होने के बजाय दूर भागते। इसलिए नागुजेर था कि उसे इंसानी शक्ल में भेजा जाता, लेकिन ये तुम्हारे लीडर फिर भी यही एतराज और शुबा पेश करते कि ये तो इंसान ही है जो इस वक्त भी वो रसूल की बशरियत के हवाले से पेश कर रहे हैं, तो फिर फरिश्ते के भेजने का भी क्या फायदा। यानी अगर हम इंसानों की तरफ किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजते
तो उसे इंसानी शक्लो सूरत ही में भेज दे, ताकि इंसानों के लिए उससे मुखातिब होना और दीन सीखना मुमकिन होता। और अगर हम ऐसा करते तो ये फिर भी अपने उन्हीं शुबहात में मुबतला रहते जिनमें अब ये बशर की रसालत व नबूवत कबूल करने के सिलसिले में शुबहात में मुबतला हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल्लो काना फिल अर्ज़ मलाइकातुन यमशूना मुतमाइनीना लनज़लना अलैहिम मिनस समाई मलाकर रसूला। सूरह बनी इसराइल में कहते, अगर जमीन में फरिश्ते होते जो मुतमईन होकर चलते फिरते तो हम जरूर उन पर आसमान से कोई फरिश्ता पैगाम पहुंचाने वाला उतारते। आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाती है तो ये कोई तअज्जुब की बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया के साथ उनकी कौमों ने ऐसा ही बर्ताव किया था, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी परवाह ना कीजिए और अंजाम कार उन्हें इसी किस्म के अजाब से हलाक किया गया जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। रब्बिग़फिरली वाली वालिदैया वालिमन दखला बैतिया मुमिनम वालिल मुमिनीना वालमुमिनात सुभाना रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।